मुखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हजरत, आप अभी एतकाफ का जिक्र कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल हम चारों मसाजिद में एतकाफ करेंगे, लेकिन आप जो है खास एतकाफ जो है 10 दिन मस्जिद यूसुफैन में करेंगे जी, तो उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताइएगा कि बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल। तो अच्छा, माशाल्लाह आपने एतकाफ को पूछा, तो भाई ये जो एतकाफ का जो है जो सवाल किया है हमारे जो है ताहिर खान साहब ने, ये खूब है, इसलिए कि ये एतकाफ 10 दिन का एतकाफ हम बैठते हैं, होल्ड रखें, 10 दिन का एतकाफ हम बैठते हैं मसीह यूसुफैन में। लास्ट टाइम हमने ऐलान आम किया था तो यूरोप तक से दुनिया भर से लोग आए, तकरीबन ऑन एंड ऑफ 72 लोग थे जो हमारे पास एतकाफ में थे माशाल्लाह, और जो गए फिर ईद पढ़ के गए, अगले दिन जुमे था, जुमे के जुमा भी पढ़ा उन्होंने, ईद पढ़ के वो गए, तो माशाल्लाह वो जो बताते हैं कि बहुत कुछ उनको मिला। मैंने उनको वो अमाल भी करवा दिए उसके अंदर कि जिसपे ज़िंदगी में माल और दौलत की कमी ना हो। अल्लाह। और मैंने उनसे ये भी कहा था कि 25% तुमने मेरी खानकाह में देना है, अजरा मजाक कहा था, तो माशाल्लाह वो 1-2 महीने में लोगों ने जो है वो 25% भेजना शुरू कर दिए और उनको इतना नफ़ा हुआ। तो मैं तो दीन दुनिया सब के लिए मैं तो मांगता हूँ अल्लाह से, या दुनिया में भी शान से रख, आखिरत में भी शान से जन्नतों में दाखिल कर, हम दुनिया में भी गरीब नहीं रहना चाहते, रब्बन आतिना फिर दुनिया हसना ऐशो आराम ठाठ की जिंदगी दुनिया में भी अता फरमा, क्यों अपने तूने पैगम्बरों तक को बादशाहतें दी तो तू हमें शान से क्यों नहीं रख सकता, बेशक रख सकता है, आखिरत में भी शान से। मुरीदों का भी मैं ये चाहता हूँ, मुरीदी मुतवस्सिलीन जो है इस शान और शौकत वाली ज़िंदगी गुजारे, दीन भी दुनिया भी, उनको वो अमाल भी करवाए और माशा दीन दुनिया की बरकत समेट के गए, इसी 10 दिन का इतकाफ, क्योंकि अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह को पाना है। तो यहाँ तो एक कहते जो बंदा सखी ना भी हो, करीम ना भी, उसके दरवाजे पर चल जाओ वो भी मजबूर हो के कुछ दे ही देता है कि यार बुए थे बह गया होने जान छुड़ाओ, लेकिन अल्लाह तो सखी दाता करीम है, उसके घर में बैठ जाए वो कैसे हो सकता है मेज़बानी ना करे, ऐसी मेज़बानी करता है कि मज़ा आ जाता है। इसलिए आप इतकाफ बैसा बैठ के देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, मैं खुद आपके साथ अमाल में लगा होता हूँ, सारे मिल के हम जब अमाल व अशगाल करते हैं ला इलाहा की ज़र्बे लगती हैं तो ऐसा लगता है बस जन्नत का मज़ा, दिल ही नहीं करता कि यार ये इतकाफ ख़त्म हो। इसलिए ये इतकाफ जो है ताहिर खान ने पूछा अच्छा है, तो मैं इसे तरगीब दे रहा हूँ, अभी से अपने नाम लिखवा दें, ये ना हो कि सीटें जो है लिमिटेड हैं और आपका नंबर ना आए, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत दे, दुनिया भर में कहीं से भी आ सकते हैं आप, वीज़ा है तो पाकिस्तान इंग्लैंड पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से भी आ सकते हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, बस आप अपना बैग लेके आ जाएं, बिस्तर आपको मिलेगा, खाना आपको मिलेगा, इवन है कि 10 दिन के बाद सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं हम, सुभान अल्लाह, सर्टिफिकेट आप जाके घर में लगाएं कि हम माशाल्लाह ये सादत हासिल करके आए, तो ये सब सनद मोहब्बत भी नसीब होती है और वहाँ खूब जाए। और लास्ट टाइम वाले एतकाफ का तो मैंने ख़ास तौर पर कहा था ख़ास एतकाफ है आ जाओ भाई, क्योंकि मुझे ये मुनकशिफ हो गया था कि उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और ख़ुद हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीनों हजरात की खुसूसी तवज्जो रूहानी और रूहानी जलाल रहेगा, ये मुझ पर मुनकशिफ हो गया था, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, मैंने कहा था कि बड़ा ख़ास एतकाफ है आ जाओ, और नसीब वाले आ गए, तो इसलिए भाई ये तीन शख्सियात के खास रूहानी इजलाल रहा हमारे साथ, और वहाँ तो मलाइका का नुजूल, बाद हमारे मोतकीवी ने मलाइका को देखा, उनका दीदार किया, वो सारी अपडेट टीवी पे मौजूद है जब वो कारगुजारियाँ सुनाई हैं। इसलिए भाई अमरीका जैसी दुनिया में ऐसी रूहानी महफिल मिलना ये आसान काम नहीं है, लिहाजा अब इस दफ़ा किन वो रूहानी बुजुर्गों की अम्बिया की रूहानी इजलाल होगा, वो जब अल्लाह मुनकशिफ करेगा तो करेगा, लेकिन बहरहाल हर एतकाफ हमारा ख़ास है, आप लोग जो उसमें देर ना करें और जो लोग आ सकते हैं तो ज़रूर हमारे साथ इतकाब में आ जाएं, तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, आमीन।